अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी दीवानसगर फ्रॉम फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन लाहौर। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पेज पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट रियल इस्टेट मिलती रहती हैं। तो जो आज मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुजारिश करता चलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दूँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मौसूल होती रहे। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, जैसे कि मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि हम लोगों ने मदीना 8.5 के ऊपर बनाई थी, जिसके अंदर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे हमारे पास शॉप्स अवेलेबल थी, जिन पे एक हमें ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस आया। वो सारी शॉप्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब पीछे अपार्टमेंट्स का जो है वो पेमेंट प्लान वो रिवेल हो चुका है और इसके बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन भी आ चुका है जी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पास नहायत खूबसूरत बिल्डिंग का जो है वो एलिवेशन है। और अगर हम इसके जो जो हमारे व्यूअर्स थे और जो हमारे लास्ट क्लाइंट्स थे जिनको इंतज़ार था कि मदीना 8.5 के अंदर अभी शॉप्स का पेमेंट प्लान है और जब इसकी जो पेमेंट प्लान है अपार्टमेंट्स का वो कब तक आएगा और उसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करते चलें जी, हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट है जो कि 281 स्क्वायर फीट का, 281 स्क्वायर फीट का है, और जो दूसरा स्टूडियो अपार्टमेंट है वो 318 स्क्वायर फीट का है विद बालकनी, और जो वन बेड अपार्टमेंट है वो 450 स्क्वायर फीट का है, एक वन बेड अपार्टमेंट 440 स्क्वायर फीट का है विद बालकनी, और टू बेड अपार्टमेंट है वो जी 620 स्क्वायर फीट का है विद बालकनी। लाहौर शहर के अंदर हर फर्द का एक ख्वाब होता है कि मेरा घर हो, लेकिन जैसे जैसे ज़मीनों की प्राइजेज अप्रिशिएट होती जा रही हैं तो हर किसी के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपना घर बनाए। तो अपार्टमेंट्स उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है कि एक बिल्डिंग पूरी जो बनी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी सहूलियात दी जाती है और एक अच्छी कम्युनिटी रह रही होती है, उसमें आपको रहने का एक मौका मिलता है। तो ऐसे ही जी मदीना 8 ने अपने पहले प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते साथ अब जब ये 5 का ये पेमेंट प्लान ले आए तो नहायत ही शानदार पेमेंट प्लान, आज के दौर में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, वहाँ पर ये लोग अपना जो पेमेंट प्लान लेके आए उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 45 लाख रुपये का और जो 318 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपको 50 लाख का और वन बेड अपार्टमेंट 65 लाख का और जो वन बेड अपार्टमेंट बेल्कनी के साथ है वो 72 लाख रुपए का और जो टू बेड अपार्टमेंट है विद बेल्कनी के साथ वो 1.09 करोड़ रुपए का आपके सामने अवेलेबल है। तो नहायत ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी है अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो कहते हैं जी चले रेजिडेंशियल तो हमें समझ आ गया कि हम यहाँ पर आके रहना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमें ये कैसे फ़ायदेमंद है। बहरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर रेंट आउट होते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। अगर मैं बात करता चलूँ 5 मरले घर की बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, तो इस टाइम जो वैल्यू है वो 5 मरले घर की 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 35 लाख है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम उसको रेंटल बेसिस के ऊपर उस घर को देते हैं तो महाना जो आपको एक किस्त आती है, जो महीने की आपको रेंटल इनकम आती है, वो 60 से 65 हज़ार रुपये है। और यहीं पर अगर हम वन बेड की एग्जाम्पल ले लें को हम फर्निश करके, जो हमें अगर 72 लाख या 65 लाख, जैसे हमारे पास मदीना 8 में वन बेड अपार्टमेंट 65 लाख का ये हमें मिलता है, इस पर 5 से 6 लाख रुपए हम लगा के सिर्फ इसको हम अगर फर्निश करके भी रेंट आउट दें तो 45 to 50 thousand आराम से रेंट आउट हो जाता है। और अगर हम डेली और वीकली बेसिस के ऊपर दें तो पर डे के हिसाब से 16 to 17 thousand, 16 से 17 हज़ार एक रात के ऊपर ये रेंट आउट हो जाते हैं अपार्टमेंट्स। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कोई रेजिडेंशियल रहना चाहता है, अगर हम इसकी याद की बात करें, इस बिल्डिंग के अंदर आपको बेसमेंट, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी, उसके बाद आपको इसके ऊपर जितने भी इसके फ्लोर्स हैं उनके ऊपर आपको अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। इसके रूफ टॉप की अगर बात करते चले, यहाँ पे आपके पास गार्डन अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने बच्चों की इन फ्यूचर बर्थडेज या इस तरह के कोई छोटे मोटे इवेंट जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। रिसेप्शन एरिया दिया जाएगा जी, बिल्कुल जो कम्युनिटी यहाँ की रह रही होगी वही सिर्फ इस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज किसी और को यहाँ पर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी मालूम होगी आप रिसेप्शन से लेकर किसी अपार्टमेंट में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जाने की इजाजत नहीं होगी, फुली सिक्योर होगा। और अगर इसके अलावा जो इसके अंदर एसेसरीज लगाई जाएंगी, जो भी घर के अंदर चीजें जितनी भी अपार्टमेंट के अंदर लगेंगी उस हर चीज की आपके पास गारंटी होगी। कंस्ट्रक्शन साइट्स आप आके खुद विजिट कर सकते हैं, वहां पे जो मटेरियल यूज हो रहा है वो आप आके देख सकते हैं, पाकिस्तान की किसी भी लेबोरेटरी से आप टेस्ट करवा सकते हैं। इससे पहले इन लोगों ने लामोंटा विस्टा के नाम से एक बिल्डिंग जो डिलीवर की, उसके बाद मदीना 8-1 मदीना 8-2 का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, 3 भी स्टार्ट होने वाली है, 4 का जो है वो बेसमेंट प्लस ग्राउंड तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और आगे ग्रे स्ट्रक्चर आगे जो काम है वो जारी है सारी है। 5 इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर स्टार्ट कर दी जाएगी हाइट, और अभी इसके जो पेमेंट प्लान है अपार्टमेंट्स का वो आपके सामने है। विद इन मंथ जिस दिन इसकी डिगिंग स्टार्ट होगी ऑब्वियसली इसकी प्राइजेज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिन ब दिन आपको पता है कंस्ट्रक्शन का जितना भी मटीरियल है वो सारा दिन ब दिन अप्रिशिएट होता जा रहा है और लोगों की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं बातें। इस वजह से मंथली 1 महीने 2-3 महीने के बाद जो है वो अपार्टमेंट की प्राइजेज भी हाई होती जा
चीज़ें आ रही हैं। अभी जो पेमेंट प्लान है उसके मुताबिक मैंने आपको रेट्स बता दी हैं। किसी और किस्म की मालूम के लिए, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप मुझसे नीचे दिए स्क्रीन पर रबता नंबर पर रबता कर सकते हैं। 0307-797-5454 मेरा नंबर है। दीवान असगर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।